सारे बच्चे हो ठीक ठाक जी। बच्चे अज आप एक तो वास्ते बड़ी प्यारी गतिविधि लैके आए हैं जिदा नाम है एक चला गया। उन्हें समझने वास्ते पहला आप एक कविता सुनांगे, उस तो बाद आप अगे काम करते हैं। आओ सुनिए एक कविता। पंज कबूतर पेड़ ते कर रहे बिचार, पंज कबूतर पेड़ ते कर रहे बिचार, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए चार, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए चार, चार कबूतर पेड़ ते एक दूजे तो पिन, चार कबूतर पेड़ ते एक दूजे तो पिन, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए तिन, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए तिन, तिन कबूतर पेड़ ते खेड़ रहे सी ओ, तिन कबूतर पेड़ ते खेड़ रहे सी ओ, कबूतर उड़ गया बाकी रह गए दो, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गए दो, दो कबूतर पेड़ ते बैठे तान कहिक, दो कबूतर पेड़ ते बैठे तान कहिक, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गया एक, एक कबूतर उड़ गया बाकी रह गया एक, एक कबूतर पेड़ ते बैठा बन के हीरो, एक कबूतर पेड़ ते बैठा बन के हीरो, ओ भी उड़ के चला गया बाकी रह गए जीरो, ओ भी उड़ के चला गया बाकी रह गए जीरो, बाकी रह गए जीरो। हाँ जी बच्चों, तुसीं सुनी कविता जिदे विच कबूतर जिहड़े वारी वारी उड़ के चले गए। तां इस चीज़ नूं आपां बोर्ड दे उत्ते जां कापी उत्ते किस तरह करना आओ आपां समझदे हां। तां सब तों पहलां जदों शुरू होया सी उह सी पंज कबूतर पेड़ ते, ठीक है। किन्ने कबूतर सी? पंज। तां उहदे विच्चों एक कबूतर चला गया, उड़ गया जां चला गया, ठीक है। तां उस तो बाद किन्ने रह गए? पंजा विच्चों जदों एक चला गया तां किन्ने रह गए साडे कोल? हाँ जी, चार, ठीक है। तो देखो पंज है जिहड़ा उहदे विच्चों एक चला गया, चला गया जां मतलब उड़ गया, उहदा मतलब की है? उहदे विच्चों घट गया, तो उहनूं असीं कहिंदे आ घटाओ, घटाओ दा इह निशान है। तां पंज विच्चों जदों एक घट गया तां किन्ने रह गए? चार, ठीक है जी। इदां ही जदों अगली लाइन कविता दी आई तां उहदे विच सी चार कबूतर पेड़ ते, चार तां उहदे विच्चों किन्ने उड़ गए उस तों बाद? एक। तां जदों चार विच्चों बेटा एक उड़ गया जां एक चला गया तां साडे कोल उदों किन्ने रह गए? तीन। इसे तरह आपां इत्थे हुण इस चीज़ नूं समझिए कि चार कबूतर ते एक उहदे विच्चों चला गया तां मतलब घट गया, तां इहनूं असीं कहिंदे आ घटाओ, ठीक है। तां चार विच्चों एक घट गया तां किन्ने कबूतर रह गए साडे कोल? तीन, ठीक है जी। उस तों अगली कविता दी लाइन सी तीन कबूतर पेड़ ते, किन्ने उड़ गए उहदे विच्चों? एक। जदों तिन्नां विच्चों एक उड़ गया तां साडे कोल बेटा किन्ने रह गए? हाँ जी, दो, ठीक है। देखो साडे कोल इत्थे तीन, तां एक इहदे विच्चों की होया? चला गया जां उड़ गया। किन्ने रह गए साडे कोल? तीन विच्चों एक उड़ गया एक चला गया, तां दो, ठीक है। तां फिर साडे कोल किन्ने इत्थे सी अगली लाइन? दो कबूतर, फिर किन्ने उड़ गए? एक। तां किन्ने रह गए साडे कोल? एक। दो विच्चों एक उड़ गया तां एक रह गया। इसे तरह दो विच्चों एक चला गया मतलब घटाओ होगी, एक रह गया। तां हुण साडे कोल किन्ने ने? एक।
एक रह गया उहदे विचों किन्ने उड गए, एक एक सीगा वह भी उड गया, तो साढ़े कोल किन्ने बच गए, जीरो। ठीक है, तो एक कबूतर ते एक ही चला गया, निशान असी लाउणा घटाओ दा क्योंकि घट गया, तो एक विचों एक घटाए तो जीरो, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, सारे उड गए तो जीरो रह गई। देखो किन्ने वधिया तरीके असी अज की सीखिया, चला गया जां उड गया, तो उस तरीके असी सीखी अज घटाओ। तुसी घर दे विच इसे तरह इस कविता सुन के अपनी कापियों उपर वधिया तरीके काम करना। धन्यवाद।